यह के धकेला की हो। ठीक है, हम विक्रमपुर से आ चुके हैं, देखते हैं इस दरबार में कोई दरबारी नहीं है। हम आवाज लगाते हैं, अगर कहीं भी होगा मेरा आवाज सुनेगा तो अवश्य दरबारी आएगा। हेलो, अरे इस दरबार में कोई है भाई? नहीं नहीं, देखिए हम कर रहे हैं, कोई है भाई? उधर से करा के है जी। अरे कोई है भैया? कौन है रे? अरे आओ इधर जी, कौन है? हम चोर नजर आते हैं, कौन है? अरे भाई, दरबार में आकर इतना जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हैं? ये साधु महात्मा के यहाँ कोई सत्संग होगा? मैं साधु महात्मा नहीं, तब इस विक्रमपुर शहर और राज दरबार का महामंत्री हूँ। आप महामंत्री हैं? हाँ, हम तो कहे कि आप कहीं साधु नहीं, लाए थे सत्संग। तो यहाँ कैसे आना हुआ? हाँ, ऐसे पूछिए कैसे। देखिए हम बर्तुआर हैं। आप बर्तुआर हैं जी? भटखों का है और अगुआ है। तो फिर आगे क्या कहना है बताओ? मुझे पता चला है कि विक्रमपुर शहर में राजा विक्रम सिंह के पास एक लौटी लड़की है। हाँ है, शादी का योग है। हाँ है, ऐसा है, आप मुझे लड़की दिखा सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, ठीक है, आज का ऐसा आदेश भी है। ओ, ऐसा आदत है। हाँ ठीक है, हमको लड़की दिखाइए। ठीक है, तब तक आप बैठिए। हाँ, मैं लड़की को शीघ्र बुलाकर राज दरबार में उपस्थित कर दूंगा। चाय का व्यवस्था है? सब कुछ का व्यवस्था है। चलिए, तब तक मैं आप तीन नंबर में बैठ जाइए, क्योंकि ऐसा फिर गाली बकते हो। गाली कहाँ दिए हैं? चावसी दिए है तो गाली कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, तीन नंबर में बैठ जाए और मैं लड़की को शीघ्र बुला कर ले आता हूँ। अरे सुनिए, इससे जगह और कहीं नहीं है? नहीं, इस जगह बहुत बदबू मारता है। बदबू मारता है तो इसी जगह तुम्हें बैठना है। इरादा। अच्छा है? आप कितना दूर से आए? हम 150 किलोमीटर से। 150 किलोमीटर से आए? हाँ। तो ठीक है, आप बैठिए। हाँ। अच्छा बेटा, कोई बात नहीं, तो बैठिए, हम शीघ्र आ रहे हैं लड़की को। हेलो मास्टर, yeah।
मंत्री भैया, मुझे सिंह दरबार में किस लिए याद किए हैं? मंत्री भैया किस लिए याद किए हैं? किस लिए याद किए हैं? एक बर्तवार लिए आए हैं। तो दरबार में बर्तवार आए हैं मुझे देखने के लिए? हाँ ठीक है मंत्री भैया, मैं साइड में खड़ी हूँ। ठीक है, बोलिए बर्तवार जी को देखने के लिए। हेलो, दारू तो नहीं पीकर आए हैं? देखिए भात बन गया है, सब कुछ बन गया है, यहाँ किस लिए आए? क्या दाल है? तलाई का दाल बनाना है। चाय और चप्पल बिल्कुल तैयार हो चुका है। देखिए पापड़ को तोड़ना नहीं, पापड़ का बदले तुम्हें झापड़ दिया जाएगा। उठो चलो, देखो लड़की आ चुका है। ओ, ये तीनों लड़की है? हाँ। नहीं नहीं, ये तीनों लड़की को हम घंटा बनेंगे। अरे सुनो, घंटा बनोगे या क्या करोगे तो तुम न जानोगे। आए हो यहाँ बर्तवारी करने के लिए तो पूछो। अच्छा तो चलो आप पीछे हट जाओ। अच्छा हाँ बोलिए। अरे इधर है, इधर है बबदिया। इन्हें तुम फट्टा चलाना शुरू कर दिया है। फट्टा नहीं, बैठो तीन नंबर में। जी और बैठो बैठो बैठो। बाप लगेगा, पिती लगेगा उस समय में, अभी जो है वो है। तुम्हें बैठो बैठ बैठ बैठो न पहले। एक तोरा हमें फट्ठा तोरा बैठा देव हमें तो। अच्छा अच्छा, ये तो छिंगा बेकार है जरा जाए। अच्छा ठीक है। अच्छा ये पहले बताइए कि ये तीनों से कौन सा लड़की है? बीच वाली और पीछे बीच वाले। ठीक है, आप सब जो है चलिए दो नंबर में। ये कोई पलटफाड़ा नहीं, एक नंबर दो नंबर कर। ये अभी अकेला बसा पर हम जैसे जैसे कहेंगे वैसे वैसे करेंगे। ठीक है, अब तो जो आलर की जी आप आइए एक नंबर में। हाँ आइए। देखिए हम कुछ नहीं पूछेंगे ज्यादा, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया है। हाँ हमको ढूंढने के लिए आता है कि हम बता रहे हैं। हाँ ठीक है। देखिए लड़की, सबसे पहले बताइए आपका घर कहाँ हुआ? मेरा घर हाँ विक्रमपुर शहर पड़ता है। हाँ बाबू, देखिए कितना भाव नरम भाव से विक्रमपुर। बाबू जी, पिताजी का नाम? राजा विक्रम सिंह। बाबू जी का नाम? तब तोरे तमीज से चले। इधर सुनिए, आप कभी अपना बाप जिंदगी में बर्तवारी नहीं किए क्या जी? बर्तवारी बहुत किए हैं। अच्छा, मगर शादी एक को ठोकने करवाए हैं। देखिए साहब, आप पिताजी का नाम पूछ रहे, फिर बाबूजी का नाम काहे पूछे? बाबूजी का नाम नहीं पूछेंगे। क्यों? कोई गलत पूछना है? हाँ। कैसे गलत हुआ? गलत नहीं हुआ। ठीक है, फिर से पूछिए, मेरी सहेली बताए। ठीक है, आप लोग पीछे जाओ, डिस्टर्ब करते हैं बात करने में। दो माइक दो। कैसे? चलो जी पीछे चलो, चलो जगह टेप टेप के मारेंगे। हाँ, चलो। अच्छा लड़की ये पहले बता, बाबूजी किसे कहते हैं? देखिए साहब, हाँ आप नहीं जानते हैं बाबूजी किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? देखिए मैं बता रही हूँ। हाँ बताइए। जब कोई लड़की कुमारी रहती है जी, उसके बाद उसकी शादी हो जाती है जी। शादी हो जाने के बाद जब अपना ससुराल को चली जाती है जी, ससुराल में जो उनकी ससुर जी होते हैं उन्हीं को बाबूजी कहते हैं। अच्छा, मुंह के बात हमरा मुंह में रही गलौन। आई लड़की लागे छे ट्रेन छे की? हां ट्रेन नहीं, ट्रेन द
ट्रेंड बोलो। ट्रेंड हमें कल ट्रेन ट्रेंड बोलो। और लड़की पढ़ी लिखी है एक साथ मतलब? हाँ। कितना तक पढ़े हैं? इंटर पास है। इंटर पास है? हाँ। या फिल्टर पास होगा? ठीक है अब नहीं ज्यादा कुछ पूछेंगे। और आपका नाम? मेरा नाम मेरा नाम पूजा कुमारी। देखिए कितना लागे छे कि रसगुल्ला जकना धक घोटी है कत्ता नरम जकना बोले छे पूजा कुमारी रस लागे छे रस में डूबेलो है बाबू। ठीक चुप गंगापुर वाले की करबे हम जन। ठीक है एक सवाल और करेंगे। देखिए ऐसा कौन सा सब्जी है जिसमें हल्दी नहीं लगते हैं? कदीमा। और पटफुल्ला के जी छप्पर पर हुए न। चलिए एक बात और पूछेंगे आप नहीं पूछेंगे ज्यादा। चलो मारो जगह। देखिए लड़की एक पहले बताइए कि एक किलो दाल में कितना नमक लगते हैं? 40 किलो। जी हम करते हैं तो आपको करता है वो करता है तो आपको नरम लगता है? नरम में नहीं छोटन सुनिए क्या हुआ? नहीं नहीं हम पूछे लड़की को एक किलो दाल में कितना नमक लगते हैं? लड़की जवाब दिया 40 किलो। ये हो सकता है बाबू महाराज हमरा तो एक ताप नहीं चिन्ने गुरु आलू हो वो हो जो निम्मक खेते तारु गोर तोड़ के नीचे बाबू। जी आपसे लड़की मजाक किया? और मजाक किया? हाँ मजाक किया कि हमरा वो साली लगता है। इधर सुनिए अब रिश्ता जुड़ने वाला है इसीलिए। हो गया जो होने से। ठीक है लड़की मुझे पसंद है प्रणाम करो और पैसा लो। ठीक प्रणाम प्रणाम करने में तो दे रहे हैं जी इधर उधर काहे कर रहे हैं है? करो प्रणाम पैसा देंगे तो पसंद हो गया। हाँ जी कीजिए कोई बात नहीं। हेलो समय नहीं है के लिए। आइए हम चलते हैं यहाँ से लड़की देखने के लिए विक्रमपुर सर है ना। चलिए मास्टर साहब आइए। और एक सूचना है आप ही छोटी पैकात के गोलो शर्मा जी आप जहाँ कहीं भी चले गए एक बार पिंटू परदेसी से आकर के मिले आइए अभी एक अगला भाग और अगला दृश्य धारा फिर के लिए हो। आइए चलते हैं अब विक्रमपुर साल। हेलो परवल जी मोर जी परवल जी मोर बेकूफ कहीं का जी अकल सन परवल जी मोर
रे रौआ तारे अभिंदी रे भौजी रौआ तारे अभिंदी रे भौजी अजरे तारे